मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरातफरी का माहौल हो गया जब सड़क किनारे खड़ी एक कार आग के गोले के रूप में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी कूड़े के ढेर के पास खड़ी थी और कूड़े के ढेर में आग लगी हुई थी। इसी के चलते आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। कुछ ही समय में आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि रोड पर लोगों की आवाजाही थम गई। वहीं सूचना मिलने के बाद काफी समय बाद दमकलें मौके पर पहुंची और आग को बुझाया, लेकिन तब तक कार काफी हद तक जल चुकी थी। वीडियो ये गाड़ी खड़ी थी, ये बनना है हुंडई की, ये गाड़ी खड़ी, अचानक इसमें आग लगी और आग का कारण लोगों ने बताया कि आगे कबाड़ पड़ा था ना, कुछ कूड़ा वूड़ा डाल देते हैं, उस कूड़े में आग लग रही थी जिससे इस गाड़ी ने आग पकड़ ली। और अब काफी प्रयास किया है यहाँ जो लोग पड़ोसी है उन्होंने बुझाने का, लेकिन आग पर काबू नहीं कर पाए। अब पुलिस भी आ गई है सूचना मिलने पे, लेकिन फायर ब्रिगेड नहीं आ पाई। वैसे अगर फायर ब्रिगेड आ जाती तब शायद आग पे काबू पाया जाता। ये कोट रोड है, कोट रोड महिला थाने से जो डिप्टीगंज को रास्ता जाता है कचहरी रोड में, स्टेट बैंक के पास की घटना है। क्या कारण बताया जा रहा है, किस वजह से? कारण क्या, कूड़ा पड़ा था ना बाहर, कूड़े में आग लग रही, किसी ने आग लगा दी। गाड़ी यहाँ पार्किंग भी थी, पार्किंग में अगर पार्क हो जाती तो शायद ये घटना ना घटती, लेकिन सड़क के किनारे खड़ी नहीं। ये इस गाड़ी में आग लगी हुई थी गए थे और हमको सूचना मिली गए थे, हमने आगे 5 मिनट में आपको कंट्रोल कर लिया। अब गाड़ी तो ये आपके सामने ही, बाकी इसमें तो जली, वैसे कोई और तो ज्यादा नुकसान नहीं है, बीच में गाड़ी जल गई है पूरी।